नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस का सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड EL 206 वेव प्रोपोगेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 एंटीना में जो हमने लास्ट एंटीना अरेज पढ़े थे, उन एंटीना अरेज में हमने एंटीना अरे एंड एंड फायर अरे के बारे में जाना था। आज हम ब्रॉडसाइड अरे और यागीउडा एंटीना के बारे में बात करेंगे। आज के इसमें हम इंट्रोडक्शन एंटीना अरे, ब्रॉडसाइड अरे, अरे अरेंजमेंट एंड रेडिएशन पैटर्न, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एंटीना अरे, ब्रॉडसाइड अरे, प्रिंसिपल ऑफ यागीउडा एंटीना, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इट्स एप्लीकेशन हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने पहले भी बात की थी, फिर से बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अरे के बारे में बात की थी। तो एंटीना अरे क्या होता है? एंटीना अरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल एलिमेंट्स ऑफ इक्वल साइज एंड प्लेस इन ए फिक्स मैनर टू ऑब्टेन ए डिजायर डायरेक्टिविटी एंड गेन। तो एंटीना अरे क्या होता है? एक डाइपोल्स का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें वो इक्वल साइज के एंटीनाज होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनको एक फिक्स मैनर के अंदर हम प्लेस करते हैं और जिससे हमें डिजायर डायरेक्टिविटी और गेन हमें मिल सके। ये दो तरह के एंटीनाज, अरे एंटीनाज हमारे सिलेबस में, ब्रॉडसाइड अरे और एंड फायर अरे। तो एंड फायर अरे हम लोग देख चुके थे, आज हम ब्रॉडसाइड अरे को देखेंगे। तो ये ब्रॉडसाइड अरे एक ऐसा अरे होता है जिसके अंदर इक्वल साइज़ के डाइपोल्स को हम इक्वल डिस्टेंस पर माउंट करते हैं, कनेक्ट लगाते हैं। साथ ही उनका जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो जो हमारा एक्सिस होता है या ड्राइव एलिमेंट का जो एक्सिस है उस ड्राइव एलिमेंट के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जबकि एंड फायर अरे के अंदर जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो पैरेलल होता है, उसी एक्सिस में होता है जिसमें ड्रिवन एलिमेंट हमारा लगा होता है। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यह है कि ये पहला बेसिक डिफरेंस यही है कि जो ब्रॉडसाइड एरे है उस ब्रॉडसाइड एरे के अंदर जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो परपेंडिकुलर होता है ब्रॉडसाइड एरे के एक्सिस से। इसके अंदर हम जो एंटीनाज जो लेते हैं, एलिमेंट्स जो लेते हैं, उन एलिमेंट्स को करंट, सेम एम्पलीट्यूड का करंट हम देते हैं और ये आपस में एक दूसरे से वो लैम्डा बाई टू की डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं और उससे एक बेटर एनर्जी एफिशिएंसी हम एनर्जी रेडिएशन एनर्जी हम स्पेसिफिक रेडिएशन एनर्जी जो होती है वो बेटर हम अचीव कर पाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि इसके अंदर जो ट्रांसमिशन करंट है वो ट्रांसमिशन करंट एक दूसरे से 180 डिग्री के फेज पर नहीं होते हैं। इसका जो पैटर्न होता है, पैटर्न डायग्राम आपका अरेंजमेंट हमने ये बना रखा है कि एक फीड लाइन है, इस फीड लाइन से ये लैम्डा बाई टू की डिस्टेंस पर तो ये डाइपोल्स हमारे सिचुएटेड हैं एक दूसरे से और आपस में इन दोनों के बीच में दो एलिमेंट्स के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू है और इन दोनों के बीच में एक जो लेंथ है, ये जो डाइपोल्स हैं इन डाइपोल्स की जो लेंथ है वो भी लैम्डा बाई टू है और सेपरेशन भी लैम्डा बाई टू है। तो बेसिकली लैम्डा बाई टू के हाफ हम करें तो लैम्डा बाई फोर, तो यानी दो लैम्डा बाई फोर के डाइप क्वाड पोल्स को हम यूज़ करते हैं और उसको मिलाकर हम डाइपोल बनाते हैं। इसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो इस तरह से है कि ये जो एक्सिस होती है जिस फीड लाइन जो होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी जो हमारे ड्रिवन एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के परपेंडिकुलर इसका रेडिएशन पैटर्न होता है। इसका डायरेक्टिव गेन हाई होता है और इसकी जो रेडिएशन बीम होती है वो वेरी नैरो पैटर्न की होती है। जो इसमें टोटल एनर्जी होती है, ई टोटल इज़ द प्लेन इन द प्लेन इज़ गिवन बाय ई टोटल इज़ एट सिंगल एलिमेंट इनटू एएफ। जो टोटल एनर्जी होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है, वो होती है टोटल जो हम एक सिंगल एलिमेंट की एनर्जी इनटू एएफ, वेयर एएफ इज़ ए एरे फैक्टर। और एरे फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? एरे फैक्टर निकालने के लिए है समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to n, जितने नंबर ऑफ़ एरेज हमने लगाए हैं, इनटू ई टू पावर जे टू जे
एन माइनस वन शाई, शाई डिनोट्स द रिलेटिव फेज, तो फेज है आपस में इन पे करंट का फेज जो है उसको हम शाई बोलते हैं। तो ए एफ जो एरे फैक्टर है वो हमारा निकल के आता है एज अ समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू एन ई टू पावर जे एन माइनस वन शाई। ये देखिए फ्रीक्वेंसी रेंज, तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारे ये ब्रॉडसाइड एरेज होते हैं, ये ब्रॉडसाइड एरेज हमारी 30 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो कि वीएचएफ और यूएचएफ बैंड को बिलोंग करती है, तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमारे ये कॉलिनियर एरेज हमारे यूज़ होते हैं, वहाँ हम इसको ब्रॉडसाइड एरे को यूज़ करते हैं। अब यागी उडा एंटीना, यागी उडा एंटीना इज कॉमनली नोन एज यागी एंटीना। Yagi-Uda is the most commonly used type of antenna for TV reception over last few decades. It is the most powerful and easy to use type of antenna with better performance, which is famous for its high gain and directivity. दो साइंटिस्ट थे यागी एंड उडा, इन्होंने मिलकर एक ये अरे डिज़ाइन किया था जिसका नाम दिया उन्होंने Yagi-Uda antenna। ये Yagi-Uda एंटीना काफ़ी डिकेड्स तक, काफ़ी दशकों तक बहुत ही मतलब बहुत ही प्रचलित एंटीना की टाइप थी टीवी रिसेप्शन के लिए। इसका क्या है कि ये प्रचलित इसलिए थी क्योंकि एक तो इसको इजी टू यूज़ था और दूसरा क्या है कि इसकी जो है गेन है वो भी हाई है और डायरेक्टिविटी भी हाई, डायरेक्टिविटी और हाई गेन की वजह से इसकी बेटर परफॉर्मेंस की वजह से इसको टीवी रिसेप्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इट इज़ अ डायरेक्शनल एंटीना कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पैरेलल एलिमेंट्स इन लाइन यूजुअली हाफ वेव डाइपोल्स मेड ऑफ मेटल रोड्स। ये एक डायरेक्शनल एंटीना होता है, Yagi-Uda एंटीना एक डायरेक्शनल एंटीना है जिसके अंदर मल्टीपल पैरेलल एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक लाइन में होते हैं, और जो ये जो हाफ वेव डाइपोल्स होते हैं ये मेटल रोड के बने होते हैं। इट इज़ सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड हैज़ ए हाई गेन टिपिकली ग्रेटर देन 10 dB। इनका जो गेन होता है Yagi-Uda एंटीना का गेन जो होता है वो 10 dB से हाई से भी ज़्यादा होता है और ईजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। द Yagi-Uda एंटीना टिपिकली जनरेट्स ऑपरेट्स इन द HF एंड UHF बैंड और 40-60 किलोमीटर्स को ये कवर करता है। 3 MHz से 3 GHz तक की फ्रिक्वेंसी ये जो कि HF और UHF बैंड होता है उसके लिए, और हमें कवरेज अगर 40-60 किलोमीटर्स का कवरेज चाहिए तो उसके लिए हम Yagi-Uda एंटीना को यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो डायरेक्शनल एंटीना, ये डायरेक्शनल एंटीना कपल्ड पैरेलल डाइपोल्स का एक अरे होता है। कपल्ड पैरेलल डाइपोल्स क्या होते हैं वो आगे बताएंगे, तो ये कपल्ड डाइपोल एंटीनास का एक अरे होता है। Yagi-Uda एंटीना के अंदर एक सिंगल ड्रिवन एलिमेंट होता है जो कि कनेक्टेड होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर विद ट्रांसमिशन लाइन, जो सिंगल ड्रिवन एलिमेंट होता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होता है, अगर ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए यूज़ होता है तो। और उसके साथ में पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं विच आर नॉट कनेक्टेड टू द ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो कि हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर लाइन से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं होते हैं, लेकिन बस ये पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर्स बोलते हैं। एक इनमें रिफ्लेक्टर लगता है और एक या एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स लगते हैं, तो ये पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं। ये इसका शेप होता है, जनरली आप ये देख सकते हैं फोल्डेड जो डाइपोल है, ये फोल्डेड डाइपोल पे लाइन फीड होती है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होती है ट्रांसमिशन के लिए भी और रिसेप्शन करते समय भी। यही होता है कि ये जो फोल्डेड डाइपोल है, इस फोल्डेड डाइपोल पर हमारी ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट होगी, और इसके अलावा इसके एक तरफ तो एक सिंगल एंटीना एलिमेंट लगा होता है वो पैरासाइट एलिमेंट होता है जिसके साथ कोई ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट नहीं होती, लेकिन ये जो पैरासाइट एलिमेंट है इसे हम रिफ्लेक्टर का नाम देते हैं, और ये रिफ्लेक्टर क्या करता है कि सिग्नल को वापस आगे की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, तो रेडिएशन जो भी होती है वो रेडिएशन को ये आगे की तरफ डायरेक्टर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। अब ये डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर क्या होता है कि एक हिस्से पर तो रिफ्लेक्टर लगता है, दूसरी तरफ हमारे डायरेक्टर्स लगते हैं, और ये डायरेक्टर्स भी हमारे पैरासाइट एलिमेंट्स ही होती हैं, इन पर भी ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट नहीं होती, और ये हम एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिविटी रिक्वायरमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ यगुआ एंटीना कि यगुआ एंटीना इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस दैट कलेक्ट्स रेडियो वेव्स। यगुआ एंटीना का काम है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कलेक्ट करता है। एन एंटीना ट्यून टू ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी विल रेजोनेट टू ए रेडियो सिग्नल ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है कि ये रियल टाइम फोटो है और बीच में एक ड्रिवन एलिमेंट्स होते हैं, फिर मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली यगुआ एंटीना में तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तो ड्रिवन एलिमेंट और दो पैरासिटिक एलिमेंट्स। और वो पैरासिटिक एलिमेंट्स क्या क्या है, एक तो रिफ्लेक्टर है और डायरेक्टर्स। तो जिधर डायरेक्टर्स लगे होते हैं उधर डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम होगा। वर्किंग ऑफ यगुआ एंटीना, यगुआ एंटीना में तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पहला तो रिफ्लेक्टर, सेकंड ड्रिवन एलिमेंट्स और तीसरा डायरेक्टर। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है कि जो ड्रिवन एलिमेंट है वो तो एक डाइपोल होगा, उसकी डाइपोल होगा तो उसकी लेंथ होगी लैम्डा बाई टू। जो रिफ्लेक्टर होगा वो डायरेक्टर से ड्रिवन एलिमेंट से बड़ा होगा, उसकी लेंथ होगी 0.55 लैम्डा। और जो डायरेक्टर्स होंगे वो फर्स्ट जो डायरेक्टर होगा उसके बाद में सेकंड लगेगा, उसके बाद ड्रिवन के बाद में फर्स्ट डायरेक्टर, फिर सेकंड डायरेक्टर, फिर थर्ड डायरेक्टर, फिर फोर्थ डायरेक्टर, और जितना अपने डिज़ायर है उस हिसाब से डायरेक्टर्स लगेंगे। लेकिन वो सभी डायरेक्टर्स की लेंथ हमारे ड्रिवन एलिमेंट से 0.05 कम होती चली जाएगी। इट मीन्स अगर हमने ड्रिवन एलिमेंट हमने लगाया कितना 0.5 लैम्डा, तो वो कम होती चली जाएगी 0.45, फिर 0.4, फिर 0.35, फिर 0.3 लैम्डा। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जो स्पेसिंग की बात करें तो डाइपोल और रिफ्लेक्टर के बीच में, तो ड्रिवन एलिमेंट और रिफ्लेक्टर के बीच में तो होता है 0.25 का डिस्टेंस, उसके बाद में 0.13, 0.26 और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है इस तरह से। ये इसका रेडिएशन पैटर्न है। रेडिएशन पैटर्न आप देख सकते हो कि जो मेजर लोब है या मेन लोब है उसमें मैक्सिमम पावर कंसंट्रेट होती है, वो हमारी डायरेक्टर की डायरेक्शन की तरफ होता है। जिधर हमारा डायरेक्टर्स लगे होते हैं उस डायरेक्शन की तरफ मैक्सिमम हमारा रेडिएशन होता है। तो जो मेन लोब या मेजर लोब होता है वो उस डायरेक्शन में होता है। उसके अलावा जो बैक लोब्स होते हैं और साइड लोब्स होते हैं, ये साइड लोब्स और बैक लोब्स ये माइनर लोब्स होते हैं, इनमें पावर कंसंट्रेशन कम होती है। तो मेनली ये यूनिडायरेक्शनल एंटीना की तरह ही वर्क करता है, जिसमें जो रेडिएशन पैटर्न, जो मैक्सिमम पावर कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टर की तरफ होती है। अब ड्रिवन एलिमेंट देखें क्या होता है, तीन एलिमेंट्स अपन इसके पढ़े। तो ड्रिवन एलिमेंट क्या होता है, द ड्रिवन एलिमेंट ऑफ ए यागी इज द फीड पॉइंट वेयर द फीड इज लाइन इज अटैच्ड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द यागी टू परफॉर्म द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द एंटीना। बेसिकली हम जानते हैं कि एंटीना क्या होता है, एंटीना एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, ये वाइस वर्सा प्रोसेस करता है। तो ये ट्रांसड्यूसर का काम करता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पहुंचाने का काम फीड लाइन करती है, और फीड लाइन जिस एलिमेंट से कनेक्ट होती है वो होता है हमारा ड्रिवन एलिमेंट। जो ड्रिवन एलिमेंट होता है वो रेजोनेंट होता है और उसकी होती है लेंथ लैम्डा बाई टू, यानी हाफ वेव डाइपोल होता है। जो भी फ्रिक्वेंसी उसकी होती है उस पर फीड की जाती है, उस फ्रिक्वेंसी का जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ का 1/2 उसकी लेंथ रखी जाती है ड्रिवन एलिमेंट की। और ये जो ड्रिवन एलिमेंट होता है ये सेंटर के अंदर हमारा होता है, जैसे पिक्चर में अपन ने देखा कि सेंटर में होता है, इसके एक तरफ रिफ्लेक्टर लगता है और दूसरी तरफ हमारे डायरेक्टर्स लगते हैं। द डायरेक्टर इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द पैरासिटिक एलिमेंट्स एंड दिस एंड ऑफ द यागी इज एम्ड एट द रिसीविंग स्टेशन। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट लेंथ के जो होते हैं पैरासिटिक एलिमेंट्स, उन्हें हमने डायरेक्टर्स बोलते हैं, जो कि यागी से रिसीविंग एंटीना की तरह स्टेशन की तरफ उसका मूव, उनका जो पोजिशनिंग होती है वो रिसीविंग स्टेशन की तरफ होती है। इट इज़ रेजोनेंट स्लाइटली हायर इन फ्रिक्वेंसी देन द ड्रिवन एलिमेंट एंड इट्स लेंथ विल बी 5% शॉर्टर प्रोग्रेसिवली देन द ड्रिवन एलिमेंट। जो हमारा ड्रिवन एलिमेंट है उस ड्रिवन एलिमेंट से 5% शॉर्टर इनकी लेंथ होती है, और जो वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है, प्रोग्रेसिवली जो लेंथ है वो डिक्रीज होती है।
प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि डायरेक्टर वन लगाया तो उसकी 5% कम हो जाएगी। अब जो फर्स्ट डायरेक्टर लगा उसके बाद में अगर सेकंड डायरेक्टर वो लगाते हैं तो उसके फर्स्ट डायरेक्टर से भी 0.5% और कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसकी लेंथ डिक्रीज़ होती है। द डायरेक्टर लेंथ कैन वेरी डिपेंड अपॉन द डायरेक्टर स्पेसिंग, द नंबर ऑफ डायरेक्टर यूज इन एंटीना, द डिजायर्ड पैटर्न, पैटर्न बैंडविड्थ एंड एलिमेंट डायमीटर। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लेंथ हमारी जो डायरेक्टर्स की स्पेसिंग के ऊपर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हम जो यूज़ करें उसके ऊपर, जो पैटर्न हमें चाहिए डिज़ायर्ड रेडिएशन पैटर्न उसके ऊपर, और बैंडविड्थ के ऊपर, इसके साथ साथ एलिमेंट्स की डायमीटर के ऊपर भी इस इनकी लेंथ, डायरेक्टर्स की लेंथ डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ गेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एंटीना एरे, नॉट बाय द नंबर ऑफ द डायरेक्टर यूज। जो लेंथ, जो गेन होता है वो गेन हमारा जो लेंथ होती है डायरेक्टर की उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं की यूज़ होने पर। तो जो एंटीना की अरे जितनी लंबी बनेगी उतने ही ज़्यादा हमारा गेन होगा। रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्टर्स हमारे जो जनरल ड्रिवन एलिमेंट होता है, जनरली जो ड्रिवन एलिमेंट की लेंथ है उससे 5% ज़्यादा होता है। और ये यागीउडा के अंदर जनरली हम एक ही रिफ्लेक्टर एंटीना यूज़ करते हैं, और जो कि हमारे ड्रिवन एलिमेंट है, जो मेन ड्रिवन एलिमेंट है उसके जस्ट पीछे बिहाइंड की तरफ लगता है, द वे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम सेंसिटिविटी। यानी इसका काम इट इज दैट इज़ द वे अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम सेंसिटिविटी। ये मतलब इस तरह से इसकी जो पोजीशनिंग होती है वो सेंसिटिविटी इसके अंदर मैक्सिमम होती है। फर्दर रिफ्लेक्टर्स बिहाइंड द फर्स्ट वन मेक नो नोटिसेबल डिफरेंट टू द एंटीना परफॉर्मेंस, हाउएवर मेनी डिजाइंस यूज रिफ्लेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और ए सीरीज और पैरेलल रोड सिमुलेटिंग रिफ्लेक्टिंग प्लेट, दिस गिव्स अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ रेडिएशन और पिकअप फ्रॉम बिहाइंड द एंटीना इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ इंटरफेरेंस रिसीव्ड। बेसिकली कई डिज़ाइंस ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर यागीउडा एंटीना की, जिसके अंदर रिफ्लेक्टर्स की संख्या हम बढ़ा देते हैं, लेकिन जो मेन रिफ्लेक्शंस का काम होता है, जो फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्टर लगता है वही करता है, बाकी तो जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं वो स्लाइटली उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही लगाए जाते हैं। बाकी बेसिक जो काम होता है, जो मेन काम जो होता है, वो फर्स्ट जो रिफ्लेक्टर हमारा लगता है उसी से हो जाता है। टिपिकली अ रिफ्लेक्टर विल एड अराउंड 4 to 5 dB ऑफ गेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एक रिफ्लेक्टर से हमें 4 to 5 dB तक का गेन हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। एडवांटेजेस, यागीउडा एंटीना के एडवांटेजेस क्या हैं? द यागी एंटीना इज डायरेक्टली डायरेक्शनल एनेबलिंग इंटरफेरेंस लेवल टू द मिनिमाइज फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग। यानी जो यागीउडा एंटीना हो है उसके अंदर डायरेक्शनल एनेबलिंग इंटरफेरेंस लेवल टू बी मिनिमाइज फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, यानी डायरेक्टिविटी, हाई डायरेक्टिविटी होती है। गेन इसका होता है, द गेन यागी एंटीना हैज़ गेन अलाउइंग लोअर स्ट्रेंथ सिग्नल टू बी रिसीव्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन होता है, सिंपल एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, सिंपल सा, जिसके अंदर एक हमने एक डायपोल एंटीना यूज़ कर रखे करते हैं, और फिर जो सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से ड्रिवन डायरेक्टर्स और रिफ्लेक्टर्स की लेंथ हम डिज़ाइन करके और एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। द कंस्ट्रक्शन एनेबल्स पोलराइजेशन की अगर बात करें तो द कंस्ट्रक्शन एनेबल्स द एंटीना टू बी माउंटेड इजीली ऑन वर्टिकल एंड अदर पोज विद स्टैंड मैकेनिकल फिक्सिंग। डिसएडवांटेजेस, मैक्सिमम गेन 20 dB तक का ही इसमें मैक्सिमम गेन है, अगर इससे ज़्यादा का गेन हमें चाहिए तो फिर हम इस एंटीना को यूज़ नहीं कर सकते। लॉन्ग फॉर हाई गेन, हमें जितना ज़्यादा गेन की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ती है, और लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से फिर इसकी गेन तो हमें मिलेगा लेकिन जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो बहुत बल्की हो जाएगा, तो इसलिए ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशंस, यूनिडायरेक्शनल एंटीना है इसलिए टेलीविज़न रिसीवर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, दे प्रोवाइड बेटर ट्यूनिंग बिकॉज ऑफ लार्ज बैंडविड्थ एंड डिसेंट गेन।
डिसेंट गेंड और लार्ज बैंडविड्थ की वजह से ये जो यागुडा एंटीना है ये यूनिडायरेक्शनल एंटीना बनता है, इसलिए हम इसको बेसिकली ये टेलीविजन रिसेप्शन रिसीवर के लिए ही यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये ब्रॉडसाइड एरे और यागुडा एंटीना का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उनकी फंक्शनिंग है, जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है वो आपको समझ में आएगी। पर इसके जो एलिमेंट्स जो लगते हैं वो एलिमेंट्स समझ में होंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज हमें जो होती है इनकी वो आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। धन्यवाद।